पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा आई सीमा गुलाम हैदर की तबीयत बिगड़ गई है। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी और थकावट के चलते सीमा बीमार हो गई है। सीमा को ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। उधर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने अपनी जांच तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों ने सीमा हैदर का साइकोलॉजिकल टेस्ट कराने की बात कही है ताकि उसके मेंटल स्टेटस के बारे में सही से पता चल सके। सीमा गुलाम हैदर को लेकर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट आपको बता दें, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी ने अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में यह कहा है कि पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर का साइकोलॉजिकल टेस्ट होना चाहिए ताकि उसका मेंटल स्टेटस जाना जा सके। आपको बता दें, इंटरोगेशन के दौरान सीमा अगर सवालों से बचना होता था तो एकाएक रोने लगती थी और फिर एकदम से मुस्कुरा देती थी, जिसको लेकर बहुत डाउट है उसकी पर्सनालिटी पर। इसके अलावा जब केंद्रीय जांच एजेंसी सचिन से कोई सवाल करती थी तो सीमा ये स्पष्ट करती थी कि सचिन से ना पूछा जाए क्योंकि सारी गलती उनकी है, लिहाजा सवाल उन्हीं से किया जाए। और इन सब में सबसे डाउटफुल ये था कि इस पूरी इंटरोगेशन के दौरान सीमा कभी भी तनाव में नहीं दिखी और